पहले मशीन ए पर जाएगी, फिर बी पर जाएगी, फिर सी पर जाएगी, तो यही स्टेप हम जो
जॉब को फॉलो करना होगा, ये नहीं कि डायरेक्टली मशीन आपकी जॉब भी पर चले जाएगी। जॉनसन बेसिकली हमारे पास एक केवल एप्लीकेबल होता है जॉनसन एल्गोरिथम था, जिससे हम बोलते हैं अपनी सीक्वेंसिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास हम जॉब को शेड्यूल करते हैं, यानी गैंट चार्ट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जॉब को शेड्यूल करेंगे कि पहले कौन सी जॉब भेजेंगे, देन कौन सी उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी जॉब को शेड्यूल करेंगे। तो जो प्रोसेसर होता है जो कि एट ए टाइम को मिनिमाइज कर देता है ऑन वर्क स्टेशन, आपके टू भी हो सकते हैं, मल्टीपल वर्क स्टेशन भी हो सकते हैं, बट कंडीशन हमें होना चाहिए कॉन्स्टेंट ड्रॉप टाइम होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जॉब को स्टार्ट टू स्टेप सीक्वेंस, दो स्टेप का सीक्वेंस, उसको टू स्टेप सीक्वेंस से फॉलो करना है, देन जॉब प्रायोरिटीज हम कोई भी यूज नहीं करेंगे अपना। नेक्स्ट ऑल यूनिट्स कंप्लीट एट द फर्स्ट वर्क सेंटर बिफोर गो टू द सेकंड, यानी कि जब तक फर्स्ट मशीन पर अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वो जॉब जो है वो सेकंड मशीन पर मूव नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसे फर्स्ट पे जाना है एंड देन वो उसमें मूव करेगा सेकंड पे मूव करेगा। इस स्टेप से फाइंड द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम अमंग द अनशेड्यूल्ड जॉब्स फॉर मोर जॉब्स विद द सेम प्रोसेसिंग टाइम चूज एनी, यानी कि हमें सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट निकालनी है, उसके बाद हमें क्या करना है उसे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मूव करनी है। अगर कभी ऐसा होता है कि दो जॉब्स ऐसी हैं जिनका दोनों का स्मॉलेस्ट टाइम सेम है तो आप कोई सी भी जॉब ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। देन इन द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फॉर वर्क स्टेशन वन शेड्यूल जॉब इज अर्लीस्ट पॉसिबल, यानी कि अगर उसका फर्स्ट मशीन पर प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम है तो उसे जितनी जल्दी अप्लाई कर सकता है उतनी जल्दी हम उसे वर्किंग के लिए भेजेंगे, और अगर मेरा वर्क स्टेशन यानी कि सेकेंड मशीन पर उसका मिनिमम टाइम है तो हम उसे लास्ट में भेजेंगे, यानी कि उस गैंट में हम कहाँ से करते हैं बैक से बैक को डायरेक्शन से करते हैं। कंटिन्यूस स्टेप वन एंड टू और जॉब सर्विस शेड्यूल, और जब तक हमारी सारी जॉब शेड्यूल नहीं हो जाती तब तक हमें ये स्टेप रिपीट करना होता है। तो बेसिकली जॉनसन से गॉय तो हम इसके स्टेप को क्लियर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल से। और रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चर हैज टू प्रोसेस फाइव आइटम थ्रू टू स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वायर कटिंग एंड स्विंग, यानी कि दो स्टेप में से कटिंग एंड स्विंग। द टाइम टेकन फॉर ईच एक्टिविटी एंड द डिफरेंट स्टेजेस इज गिवन बिलो, हमारे पास टाइम गिवन है, यानी कि हमारे पास आइटम है पांच और फिर हमारे पास कटिंग टाइम है और एक हमारे पास स्विंग का टाइम है। जॉब्स हमारे पास ए बी सी डी और ई, कटिंग टाइम इसको 5, 7, 3, 4, 6, 2, 6, 7, 5, 9। ठीक है, अब देखें जॉनसन से बॉय का घर आ जाते हैं, हमारे पास ये कंडीशन दे रही है, आइटम हमारे पास इसीलिए एक देते हैं कटिंग फर्स्ट टाइमिंग दिया हुआ है और उसमें स्ट्रीट लाइट का टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पैसे से पहले बनाना से कंडीशन चार्ट फॉर जॉब सीक्वेंस, हमारे पास टोटल कितनी जॉब्स हैं, फाइव जॉब्स हैं तो फाइव ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है हमारे पास पूरे डेटा के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट टाइम कितना है, सबसे छोटा टाइम कितना दिया हुआ है। अगर हम चेक करें तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीके से वर्क स्टेशन वन है और ये वर्क स्टेशन हमारे पास क्या है सेकेंड है, और जो उसने बोला है कि अगर वर्क स्टेशन सेकेंड है तो उसको अपना सबसे लास्ट में देंगे और अगर वर्क स्टेशन का मिनिमम है तो उसे कहाँ देंगे फर्स्ट पर देंगे। तो इट मीन्स क्या जो मिनिमम टाइम है हमारे पास वो कितना है 2, और कोई मिनिमम टाइम नहीं है तो हमारे पास जो ए जॉब्स है उसके एंड भी करेंगे मिनिमम, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये होगी हमारे पास इसके ये किसकी रिकॉर्डिंग है सेम मशीन के लिए और ये हमारे पास इसके लिए होगी कटिंग। हमारे पास ए जॉब सबसे लास्ट में हुई है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि नेक्स्ट आइडिया सबसे क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है सबसे मिनिमम टाइम है जो रिमेनिंग टाइम है, ये जॉब कौन सी है सी और ये किस पर है फर्स्ट पर है, तो इसको जॉब जो मिलेगी सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, बट हमारे पास नेक्स्ट है कितना 4 भी हमारे पास किसमें है डी जॉब पे है और कटिंग पे है तो उसको हम पहले लेंगे। ठीक है, 4 के बाद हमारे पास 6 है, 6 हमारे पास दोनों जगह आया हुआ यानी कि सीओ कटिंग के प्रोसेस में भी है और सेम के प्रोसेस में भी है। तो फर्स्ट प्रोसेस में जो हम करेंगे वो तो हमारे पास किससे होगी स्टार्टिंग सेंट की होगी और अगर सेकंड के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास कहाँ से होगी बैक सेंट की होगी। तो अगर हम पहले इसको ले लेते हैं डी जॉब को तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा है यहाँ एंट्री होगी और ई जॉब क्योंकि फर्स्ट है हमारे पास कटिंग के लिए तो उसकी जॉब कौन सी होगी,
यानी कि हमारे पास जॉब का सीक्वेंस आ गया। सबसे पहले सी जॉब जाएगी, फिर डी जाएगी, फिर ई जाएगी, फिर बी और फिर लास्ट में ए। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि हमें ये पता चल गया कि हमें कौन सी जॉब कितने टाइम पर देनी है, यानी कौन सी जॉब हमारी स्टार्ट होगी कब। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें सी को भेजना, फिर डी को भेजना, फिर ई को, फिर बी को और फिर ए जॉब। ठीक, अब ये जो था हमारे पास, हमने जॉब्स को अरेंज कर लिया कि हमें जॉब देनी है वो किस फॉर्म में देनी है, किस तरीके से देनी है। ठीक है, अब हम इससे पहले दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम एक तो जॉब कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करेंगे, हर किसी एक हमारे पास आधा आईडी टाइम को हम बची थे, आईडी टाइम फॉर कटे और एक कैलकुलेट करेंगे आईडी टाइम फॉर स्वीप। ठीक है, हमारे पास जॉब का सीक्वेंस मेरा हमारे पास होता है, सबसे पहले जॉब का सीक्वेंस निकालना। अगर जॉब के सीक्वेंस में आपकी मिस्टेक है तो आंसर आपका सही नहीं है, यानी कि उसमें गलती जरूर होती है। ठीक है, अब हम ये करते हैं आई टी टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो जॉब का कंप्लीशन टाइम है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमारे पास जॉब्स हैं, सबसे पहले हम लेते हैं जॉब्स और हमें सबसे पहले भेजते हैं कटिंग के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम के और फिर लिखेंगे टाइम कटिंग के बाद नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास में, इसमें भी हम लिखेंगे टाइम के एंड देन होगा हमारे पास टाइम। और यही पर हम क्या करते हैं आईटी टाइम निकालने के लिए हम लोग विशेष यहाँ हमारे पास निकलेगा आईटी टाइम फॉर सी। जॉब का ऑर्डर हमें पता है, सबसे पहले कौन सी जॉब चाहिए, जॉब कौन सी चाहिए, सी जॉब। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये नहीं देखना कि हमें सुबह 9 बजे स्टार्ट किया 10 बजे स्टार्ट किया, वो नहीं। जब भी हमारा वर्किंग आवर स्टार्ट हुआ है कि जैसे हम काम करना स्टार्ट करेंगे वो टाइम कैलकुलेट होगा 0 आवर से। ठीक है, हमें उतना इससे कोई मतलब नहीं कौन कितने बजे आया है, हमारे पास जैसे ही वर्किंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी कौन से 0 आवर से। सबसे पहले हमारी जॉब कौन सी जाएगी, सी जॉब जाएगी, तो इसका मतलब कटिंग में उसमें टाइम हो गया 0, क्योंकि जैसे स्टार्ट किया हमने उसको जॉब असाइन कर दी। ठीक, अब अगर हम देखें सी जॉब को कटिंग के लिए कितने आवर्स का टाइम लगता है, 3 आवर्स के लिए, तो इसका मतलब उसे 3 आवर्स की जगह पर डालेंगे, यानी कि 3 घंटे के बाद वो फ्री हो जाएगी। जैसे उस वक्त के बाद वो कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 आवर्स पर ही वो काम पहुंच जाएगी आपका स्टेशन के लिए, यानी कि स्विंग मशीन पर। ठीक है, स्विंग मशीन पर उसे कितना टाइम लगता है, 7 आवर्स का, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कितना उसके बाद 7 आवर्स दिया हुआ, तो 3 में प्लस 7 गया तो 10 आवर्स पर वो क्या हो गया आपकी फ्री हो जाएगी। ठीक, सी जॉब कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास कौन सी आती है, डी जॉब। डी जॉब को सबसे पहले हम कटिंग के लिए भेजेंगे, और कटिंग के लिए कितने बजे की हुई है हमारी मशीन, 3 बजे की हुई है, 3 आवर्स तक की हुई है, तो उसको वो मशीन भी कितने बजे मिलेगी, 3 आवर्स तक। डी मशीन को जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 4 आवर्स, यानी कि 3 और 4 ऐड करें तो कितना आता है, 7 आवर्स। अब 7 आवर्स पर मशीन जॉब जो है वो आपकी फ्री हो चुकी है, यानी कि डी का जो कटिंग का काम था, डी ऑब्जेक्ट का वो कट चुका है आपका 7 आवर्स में। बट अब हो जाएगा किसके लिए, स्विंग मशीन के लिए, लेकिन मेरी जो स्विंग मशीन है वो कितने बजे फ्री हो रही है, 10 बजे, यहाँ पर जॉब को वेट करना पड़ेगा और ये नेक्स्ट कितने जो जाएंगे आपकी 10 बजे। ठीक है, और उसमें टाइम कितना लगता है, 5 आवर्स, यानी कि 10 बजे आ गए। उसके बाद हमारी कौन सी जॉब जाएगी, 3, क्योंकि 7 बजे फ्री हो गई है, तो 7 पर हमारी कौन सी जॉब चली गई, ई जॉब चली गई कटिंग के लिए। ई जॉब के पास जो टाइम है वो कितने आज का कटिंग के लिए, 6 आवर्स का, यानी कि 7 प्लस 6 कितना हो गया, 30। अब देखिए जॉब तो फ्री हो गई, क्योंकि मशीन हमारी कितने बजे फ्री हो रही है, 15 पर, इट मीन्स यहाँ पर आपको जॉब कितने पर साइन होगी, 15 पर। देन हमारे पास ई, ई के लिए टाइम है वो कितना है, 9 आवर्स, 15 में 9 एंड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 24 आवर्स, यानी कि यहाँ पर ई जॉब जो है वो कंप्लीट हुई है हमारे पास कितने टोटल, 24 आवर्स। ई के बाद हमारे पास वापस की बी जॉब, बी जॉब जो जाएगी वो ई मशीन के कितने पर चली जाएगी, 30 आवर्स, उसे टाइम कितना लगता है, बी को 7 आवर्स, तो 13 प्लस 7 ये कितना हो गया, 20, लेकिन मेरी मशीन कितने पर फ्री है, 24, तो इसको जॉब जो साइन होगी वो कब साइन होगी, मशीन 24 आवर्स पर। बी को कितना टाइम लगता है, 6 आवर्स, तो यहाँ पे कितना आ गया इसका, 30।
पास पर, लेकिन मशीन मेरी कितने पर हुई है 30 पर, तो इतनी से भी कितने पर मिलेगा टाइम 30 आवर्स का, ठीक। और उसके पास कितना आवर्स है टोटल यानी कि 30। ये जो लास्ट टाइम बचेगा ये मेरे पास होगा टोटल जॉब कंप्लीशन टाइम, यानी कि जॉब कंप्लीशन टाइम जो निकाले तो वो कितना आ गया मेरे पास 32 आवर्स, ठीक। अब मैं आइडल टाइम निकालना है कटिंग के लिए और आइडल टाइम निकालना है स्वीप के लिए। सबसे पहले स्विंग मशीन का चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें तो स्विंग मशीन जो ने काम करना शुरू किया वो 3 घंटे का बाद स्टार्ट किया, जबकि ये कितने पर हो गए थे 0 आज पर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 3। देन आप चेक करेंगे इन दोनों पर 10 पर 15 पर 24 पर 30 पर, यानी कि यहाँ कोई भी आइडल टाइम नहीं है इसका, तो टोटल आइडल टाइम रहा इसका 3 आवर्स। मीन्स आइडल टाइम फॉर स्विंग के लिए हमारे पास कितना टाइम रहा 3 आवर्स, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास आइडल टाइम निकालना है कटिंग के लिए। अगर हम कटिंग के लिए चेक करें, कटिंग में हमारे पास कहीं भी आइडल नहीं है कि इसका टाइम कंप्लीट हुआ है वो कितने पर हुआ 25 पर, लेकिन जो हमारी जॉब कंप्लीट हुई है वो कितने पर हुई 32 पर, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हमारे पास यानी कि 32 और 25 के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 7 आवर्स तक हमारी कटिंग जो कटिंग मशीन है वो क्या रहेगी हमारे आइडल में, ठीक है। हमें सब चीजें ये मानना है कि हमारी तीनों मशीन दोनों मशीन एक साथ स्टार्ट हुई है और एक साथ ही दोनों क्या होंगी बंद होंगी। जब दोनों स्टार्ट एक साथ हुए तो इनिशियली बी जो है वो आपके पास लगे होंगे, क्योंकि बी 3 घंटे बाद काम शुरू करता है, तो इसका जो इनिशियली आइडल टाइम है 3 आवर्स। बाकी रिमेनिंग जैसे जो जॉब फ्री होती है उसको आपका यानी जैसे जॉब फ्री होता गया उसको गेट टू गेट क्या मिलती चलिए जॉब मिलती चलिए, तो रिमेनिंग आवर्स में उसकी कहीं भी कोई को फ्री नहीं है। देन हम आते हैं ए मशीन। ए मशीन के बाद हम ये चेक करते हैं कि वो कितने बजे फ्री हो गए और लास्ट में जो हमारे पास जॉब है वो कितने टाइम पर कंप्लीट हो गई। जॉब हमारी कंप्लीट हुई 32 आवर्स पर और ये मशीन फ्री हुई कितने पे 25 आवर्स पर, यानी टोटल 7 आवर्स ऐसे हैं जिस पर हमारे पास मशीन जो है वो हमारे पास क्या है आइडल टाइम, ठीक। तो ये हमारे पास जॉब सीक्वेंसिंग में होता है जिसमें हम एक आइडल टाइम को कैलकुलेट करते हैं और जो आपका कंप्लीशन टाइम है जॉब कंप्लीशन टाइम को हम टोटल लंच टाइम ही हो। तो ये था हमारे पास जॉब सीक्वेंसिंग का। सबसे पहले हमें क्या करना है जॉब्स को अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर वर्क, कि हम कितना किस तरीके से उसको मैक्सिमाइज कर पाए अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। देन हम निकालते हैं किस तरीके से जॉब कंप्लीशन एंड जॉब, तो ये था हमारे पास जितने भी एंड जॉब्स हैं ऑन 2 मशीन्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंड जॉब्स ऑन 3 मशीन्स। इसको क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे डिस्कस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।